गुसल करने से, नहाने से वजू होगा या नहीं, क्या मसला है? बहुत तफसील है, मुख्तसर अंदाज में हदीस की रोशनी में आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि ये मसला आपको, अगर आप हदीस देखना चाहें तो तिर्मिज़ी शरीफ में और दिगर हदीस की मिश्कात शरीफ वगैरह में भी कई रिवायतें मौजूद हैं, जब आप ज़रा मुख्तसर बताऊँगा। देखिए, वजू में चार चीज़ें फ़र्ज हैं। नंबर एक, चेहरे का धोना। नंबर दो, हाथ का धोना। नंबर तीन, हाथ का केहनियों समेत चेहरा, मुकम्मल चेहरा। नंबर तीन, सर का मसा। नंबर चार, पैर धोना। अगर इतना ही काम आप कर लेते हैं, आपका वजू हो गया। आपने गुसल किया, अब गुसल में अगर आपने गुसल के दौरान, गुसल करते हुए, नहाते हुए जिस्म पे पानी डाल रहे हैं, जब जिस्म पे पानी डालते हैं पूरे अच्छे तरीके से नहाते हैं, सर पे भी पानी आपने डाल लिया, आप कहेंगे मसा करना फ़र्ज था, ये तो सर पे पानी डाल रहे हैं, मसा कहाँ कर रहे हैं? भाई मसा तो कम दर्जे का है। मिसाल समझिए, मिसाल के तौर पे 5 रुपया 10 रुपया, अगर आपको कहा जाता है आपके लिए 5 रुपये ज़रूरी है और आप उसकी जगह 10 रुपये दे देते हैं, क्या फिर से आपको कहा जाएगा भाई आपने 5 रुपये क्यों नहीं दिया? आप कहेंगे अरे भाई 5 रुपये तो छोटा है, मैं तो उससे ज़्यादा 10 रुपये दे चुका हूँ, तो अब मुझे 5 रुपये क्यों मांग रहे हो तुम? अब इसी से समझिए, मसा जो है वो छोटा है और धोना, पानी डालना, पानी बहाना, ये तो बड़ा है। लिहाजा जब आपने गुसल किया तो आपने मुकम्मल गुसल के फ़राइज़ आपने अंजाम दिए हैं। गुसल में तीन फ़र्ज़ हैं, नंबर एक कुल्ली करना, नंबर दो पूरे जिस्म पे पानी बहाना सर से लेकर पैर तक, नंबर जो है दो, नंबर तीन नाक में पानी डालना, ये तीन फ़राइज़ हैं गुसल में। अगर आपने मुकम्मल गुसल कर लिया, बताइए आपका चेहरा धुल गया? बिल्कुल धुल गया। सर पे मसा, मसा क्या हो तो धो चुके हैं सर को, पानी डाल चुके हैं, मसा भी हो गया। हाथ धोआ न जी, हाथ भी हो गया। पैर धोआ न जी, पैर भी धो लिया, आपका वजू हो गया। जब वजू हो गया गुसल में, बिल्कुल आप नमाज पढ़िए। हाँ, ख्याल रखिए, मसला ज़रा बारीक से बयान करता हूँ। अगर आपने, देखिए क्या है मसला, गुसल करने से पहले वजू करना चाहिए। कोई आदमी गुसल से पहले वजू करता है तो बढ़िया बात है भाई, वजू तो कर चुका है। गुसल के बाद जब तक उसका वजू टूटा नहीं है तब तक उसका वजू बाकी है, नमाज जो है कुरान की तिलावत सब करे, कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई आदमी ऐसा है जो गुसल से पहले वजू नहीं करता है, डायरेक्ट गुसल करता है, नहाता है जिसमें पानी डालता है, तो फिर ये देखिए कि ये जो चार फराइज़ ज़रूरी ज़रूरी चार काम है वजू में, वो उसका मुकम्मल हुआ है या नहीं। अगर हुआ है उससे भी उसका वजू हो गया, तो नमाज पढ़े सब करे जब तक वजू टूटा नहीं है। हाँ, अगर कोई आदमी गले से नहाता है, सर से नहाता नहीं है, तो इससे पता बताइए कि चेहरा धुला नहीं धुला, सर पे मसा हुआ नहीं हुआ, लिहाजा उसका वजू भी नहीं होगा, गुसल भी नहीं होगा। गुसल के फराइज में से पूरे जिस्म पे पानी डालना था, गुसल भी नहीं होगा, गुसल भी नहीं हुआ तो वजू भी नहीं हुआ उसका। तो बहरहाल और भी कई मसाइल हैं इस पर, और ज़रा समझ लीजिए, अगर आप गुसल करने के बाद आपका वजू टूट जाता है, आप गुसल कर चुके हैं, नहा चुके हैं, गुसल खाने से बाहर आने वाले हैं, री खारिज हो गई, वजू टूट गया किसी वजह से, अब आपको तो वजू करना पड़ेगा क्योंकि वजू टूट गया था। गुसल कर लेने से, नहा लेने से आपका वजू हो जाता है क्योंकि गुसल में वजू के फराइज अंजाम दिए जा चुके हैं, इसीलिए आपका वजू हो गया, लिहाजा आप उस वजू से नमाज वगैरह सब करिए। हाँ, वजू अगर टूट गया फिर से वजू करना पड़ेगा क्योंकि वजू तो आपका नहीं रहा अब।